दोस्तों आज की कहानी है बड़ी बहू। शर्म आती है मुझे तेरी सोच पर। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे ये क्या, अभी तो मैं गैस धीमी करके गई थी और ये किसने तेज कर दी, सब्जी ही जल गई। मोना का चेहरा रोने जैसा हो गया, उसने बड़े मन से सब्जी बनाई थी पर सारी फेंकनी पड़ी। वह दूसरी सब्जी बनाने जा रही थी कि हेमा जी की आवाज़ कानों में पड़ी, मोना खाना लगा दे, मुझे भूख लग रही है, डायबिटीज़ की दवाई ले ली है और अब खाना जरूरी है। मोना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, वो सहमते हुए बोली, मम्मी जी सब्जी तो जल गई है, मैं आपको सुबह की सब्जी और थोड़ा सा आचार दे देती हूँ ताकि आप समय पर खाना खा सके। हेमा जी कुछ बोलने वाली थी कि तभी बड़ी बहू बिना आ गई, ये क्या कर दिया तुमने, सब्जी जला ली, इतनी महंगाई में तुम कैसे खाना बर्बाद कर सकती हो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, अभी तो ठीक से घर भी नहीं संभालना सीखी और नुकसान करना शुरू कर दी। मम्मी जी आप भी कुछ कहिए बिना जैसे सुनने को तैयार थी कि उसकी सास घर की छोटी बहू को भी डांटेगी बिना बहू तू ज्यादा सास मत मन। अभी तो मैं जिंदा हूँ, अपने काम से काम रख, सब्जी जल गई तो कोई नहीं मोना, मुझे तू खाना परोसने में सुबह की सब्जी और असर से खा लूंगी और घर वाले तो देर से खाएंगे, तब तक दूसरी सब्जी बना देना। हेमा जी की बात सुनकर बिना सोक गई, वो तो शादी थी कि नहीं बहू मोना को डांट पड़े। वह जब बालकोनी में कपड़े लेने गई थी तब उसी ने गैस तेज कर दी थी जिससे सारी सब्जी ही खराब हो गई। जब से मोना घर में आई थी तब से बिना को लगता है कि उसकी कदर कम हो गई थी, वह भी 5 सालों से घर संभाल रही थी पर मोना को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और सारे घर वाले उसका ही गुणगान करते हैं। वो तो जल भून कर रह जाती है, वह कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से बस परिवार वालों के सामने मोना को नीचा दिखा दे। बिना सामान्य पढ़ी लिखी थी और मोना ने उस शिक्षा हासिल की थी, मोना बिना से ज्यादा समझदार और आज्ञाकारी थी। उसने ससुराल आते ही सबका दिल जीत लिया था, वह सबके काम मुस्कुरा के कर देती थी। परिवार में सास ससुर के खाने पीने से लेकर दवाई तक का बड़ा ध्यान रखती थी और ननद के कॉलेज की पढ़ाई के लिए नोट भी बना देती थी। रसोई के काम में मोना इतनी सतु नहीं थी पर वह कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी, कोशिश करके काम कर ही लेती थी। बिना को यही बात सुनती थी कि उसके सास ससुर ननद सब मोना की ही तारीफ करते थे और उसी के गुणगान करते हैं, जैसे उसने तो कभी परिवार वालों के लिए कुछ किया ही नहीं हो। बिना की एक 3 साल की बेटी भी है, वह उसके लालन पालन में व्यवस्थ रहती थी तो मोना ने कहा भी, भाभी आप गुड़िया को संभाल लीजिए, बाकी काम मैं कर लूँगी। बिना अपनी बिटिया को खिलाने पिलाने में लगी रहती थी और मोना ने धीरे धीरे घर संभाला और सबकी सहेती बन गई। ये देखकर बिना को उससे जलन होने लगी। एक दिन मोना ने कपड़े सुखाए, उसमें हेमा जी की सफेद साड़ी भी थी, वह हेमा जी की सबसे पसंदीदा साड़ी थी। बिना सुबके से बालकनी में आई और उसने वह साड़ी पर लगी कपड़े की पिन हटा दी और कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी, नीचे सफाई करने वाली साड़ी घर में देकर गई जो सड़क पर जाकर गिरी थी और सड़क की गंदगी साड़ी पर लग चुकी थी। ये देखकर बिना फिर से सिलाई, मोना ये तुमने क्या कर दिया, मम्मी जी की सबसे अच्छी साड़ी खराब कर दी, अब तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मोना थोड़ा सा घबरा
तभी हेमा जी आई और उन्होंने साड़ी देखी। मोना को उसके कमरे में भेज दिया और बीना को अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। बीना हैरान थी, सजा तो मोना को मिलनी थी। सासू माँ ने मुझे क्यों बुलाया? बीना बहू तो घर की बड़ी बहू है और तुझे ये सब काम शोभा नहीं देते हैं। परिवार में इज्जत बनाए रखने के लिए खुद ऊपर उठा जाता है, ना कि दूसरे को नीचा गिराया जाता है। मुझे पता है तू मोना से जलती है, उसके गुण तेरी आंखों में सूखते हैं। मोना और तुझ में एक बड़ा फर्क यही है कि तूने 5 साल घर को सिर सिर करके बोझ समझ कर जला कर संभाला, कभी किसी के मन से सेवा नहीं की। वही मोना सही काम करना कम जानती है, वो पर उसी से करती है और सच्चे मन से करती है। उस दिन जब तू गैस की आंच तेज कर रही थी तो मैंने तुझे देख लिया था, जलन की भावना तुझ पर इस कदर हावी हो गई थी कि तूने अब अन्न का अपमान कर दिया, जानबूझकर सब खराब कर दिया। मुझे लगा तू सुधर जाएगी, पर उस दिन अपने कमरे की खिड़की से मैंने तुझे जानबूझकर साड़ी से पिन हटाते हुए और साड़ी नीचे गिराते हुए देखा और तूने सारा इल्जाम मोना पर लगा दिया। शर्म आती है मुझे तेरी सोच पर, अपनी ही देवरानी से जलती है, उसे सबकी आंखों में नीचा गिराना चाहती है। वो तो तुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है। मैं उसके सामने भी तुझे डांट सकती थी, पर फिर उसकी नजरों में तेरा सम्मान कम हो जाता, इसलिए मैंने तुझे कमरे में बुलाया। परिवार के सदस्यों में आपस में जलन की भावना हो तो परिवार में प्रेम नहीं बना रहता है, वह घर बिखर कर रह जाता है। तुम दोनों को मिलकर घर संभालना है, जिस तरह मेरे दोनों बेटे मिलकर दुकान संभाल रहे हैं, उस तरह तुम घर मिलकर नहीं संभाल सकती हो। क्या वह तुझे बड़ी बहन समझती है तो तू क्या उसे छोटी बहन नहीं समझ सकती? अच्छी भावना से नए रिश्ते की शुरुआत करोगी तो सब अच्छा ही होगा, वो तेरा काम भी कर लेती है ताकि तू गुड़िया की अच्छे से देखभाल कर सके। फिर भी तू उससे जलती है, ये तो बहुत ही गलत भावना है। अपनी सासू माँ की बात सुनकर बीना का चेहरा फीका पड़ गया। उसने माफी मांग ली और कहा वह फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। मोना के आते ही रोज उसकी तारीफें होती थी, उससे मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। कमरे से निकलकर बीना की सोच बदल गई थी, जलन की भावना प्यार की भावना में बदल गई थी और अब वह मोना को मन से छोटी बहन मानने लगी थी। हेमा जी की समझदारी से देवरानी और जेठानी मिलकर प्यार से घर चलाने